दोस्तों आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की और श्रीलंका के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। जहां रोहित और जायसवाल ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर धुलाई की, तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस समय टीम इंडिया और श्रीलंका की टीम के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां आज टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट शुरू हुआ और आज पहला दिन खेला गया। ये मैच भी कोलंबो के मैदान पर ही खेला जा रहा है। बता दें कि इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान टीम श्रीलंका को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सधी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की पारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने श्रीलंका के गेंदबाजों को सम्मान दिया और सधी हुई बल्लेबाजी की। शुरू के 10 ओवर तक श्रीलंका के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसके वजह से रोहित शर्मा और गिल को काफी परेशानी भी हो रही थी। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 37 रन जोड़े, जिसके बाद में देखते ही देखते रोहित शर्मा और जायसवाल ने अपनी टीम को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद में जायसवाल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। जी हां, जायसवाल अब अटैकिंग मूड में नजर आ रहे थे और हर ओवर से कम एक बाउंड्री तो निकाल ही रहे थे। वहीं दूसरी छोर पर खड़े कप्तान रोहित शर्मा भी अब अच्छे लय में आ चुके थे। रोहित सिंगल डबल से अपनी पारी को तो आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन जहां बड़ा शॉट खेलने का मौका मिल रहा था, वो उसका भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जिसके वजह से अब दबाव भी श्रीलंका के ऊपर आ चुका था, क्योंकि ना टीम इंडिया का विकेट गिर रहा था और रन भी तेजी से बन रहे थे। अब जायसवाल भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि श्रीलंका के गेंदबाज भी अपनी गेंदबाजी में जी जान लगा रहे थे और विकेट लेने की भरपूर कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन रोहित और जायसवाल की निगाहें सेट हो चुकी थी, जहां देखते ही देखते जायसवाल ने सिर्फ 68 गेंदों पर ही अपनी 50 भी पूरी कर ली। जायसवाल ने 50 लगाने के बाद भी अपने इरादे चेंज नहीं किए, बल्कि जायसवाल अब 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने लग गए, जिसके बाद में रोहित ने भी अपने हाथ खोले और श्रीलंका के स्पिनरों के ऊपर अटैक किया और अपने स्कोर में इजाफा किया। वही रोहित शर्मा और जायसवाल ने 22वें ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। अब रोहित और जायसवाल की ये साझेदारी भारत को स्ट्रांग पोजीशन में ले जा रही थी, जिसके बाद में पहले सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहां पहले सेशन के समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 115 रन बना लिए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन का आगाज हुआ। एक बार फिर से रोहित शर्मा के साथ जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जहां अब जायसवाल के पास में आज शतक लगाने का अच्छा मौका था। वही रोहित ने भी सेशन की शुरुआत में आते ही बड़े शॉट्स खेले और देखते ही देखते अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, जिसके बाद रोहित शर्मा और जायसवाल ने अपनी टीम को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। अब जायसवाल भी अपने शतक के काफी नजदीक आ चुके थे, जहां जायसवाल ने 40वें ओवर में लगातार 3 बाउंड्री लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, वो भी सिर्फ 120 गेंदों पर। लेकिन उसके बाद में जायसवाल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे और इसी के साथ में टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। जहां आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के लिए 110 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जहां जायसवाल ने इस पारी के दौरान 15 चौके लगाए, इसके अलावा 5 छक्के जड़े। तो वही आपको बता दें कि रोहित और जायसवाल के बीच 182 रन के साझेदारी बनी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में कप्तान रोहित शर्मा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा को कुमारा ने शॉर्ट गेंद डालकर अपना शिकार बना लिया और इसी के साथ में भारत की टीम को दूसरा झटका लग गया। जहां आपको बता दे कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 59 रन की पारी खेली। इस पारी में रोहित ने काफी धीमी बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन उन्होंने जायसवाल के साथ में अच्छी साझेदारी बनाई और अपनी टीम को एक मजबूत पोजीशन में पहुंचाया, जिसके बाद में अब भारत के लिए क्रीज पर थे विराट कोहली और शुभमन गिल।
जिसके बाद गिल और विराट कोहली ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जहां पहले तो इन दोनों ने अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद गिल ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले, वही विराट कोहली हमेशा की तरह आज भी शुरू में अपना समय ले रहे थे और गिल का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था, लेकिन 50वें ओवर में शुभमन गिल को लहिरू कुमार ने क्लीन बोल्ड कर भारत को तीसरा बड़ा झटका दे दिया, जहां गिल ने भारतीय टीम के लिए कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया और वो सिर्फ 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे केएल राहुल, जिसके बाद कोहली और राहुल ने पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद दूसरा सेशन एंड हो गया, जहां दूसरा सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 223 रन 3 विकेट के नुकसान पर था। भारत को अच्छी शुरुआत मिली हुई थी, बस उसे अब आगे बढ़ाना था। जिसके बाद आज के दिन का अंतिम सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार विराट कोहली के साथ में केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों पर अब अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। जहां पहले तो इन दोनों ने टीम इंडिया को इस सेशन में 250 रन के पार पहुंचाया, तीसरे सेशन के शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में श्रीलंका के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में कोहली ने अपने गैर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। कोहली टाइमिंग भरे चौके लगा रहे थे, जिसका फैंस भी काफी मजा ले रहे थे। विराट कोहली काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। कोहली आज स्पिन और फास्ट दोनों को काफी अच्छा खेल रहे थे। वहीं केएल राहुल भी कोहली का अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे थे। कोहली अब अपने अर्धशतक की ओर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अब कोहली और राहुल ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद भी इन दोनों ने समझदारी के साथ में बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं उसके बाद में विराट कोहली ने कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर चौके बटोरे और अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद में कोहली अपनी पारी को ज्यादा आगे नहीं ले जा सके। कोहली को एक बेहतरीन गेंद डालकर वांडर्से ने उनको आउट कर दिया और भारत को चौथा झटका दिया, जहां कोहली ने भारत के लिए 58 रन का योगदान दिया। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए अय्यर ने आते ही श्रीलंका के फास्ट गेंदबाजों पर डोमिनेट किया और कुछ बेहतरीन चौके लगाए। लेकिन उसके बाद में आज के दिन का खेल समाप्त हो गया। जहां आपको बता दे कि पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 343 रन तक पहुंच गया था। केएल राहुल 39 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, वही अय्यर भी 16 रन पर नाबाद थे। और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की टीम श्रीलंका को ये टेस्ट मुकाबला हरा पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा।